गणितीय आगमन सिद्धांत में हम लोग जो कौन से टाइप के जो है क्वेश्चन को जो है प्रूव करेंगे या कौन से टाइप के जो रिजल्ट होंगे, परिणाम होंगे, जो परिणाम हमारा प्राकृतिक संख्याओं के पदों में जो है व्यक्त किया जाता है, उस टाइप के परिणाम को हम लोग सिद्ध करेंगे। एक एग्जाम्पल पहले हम लोग देखते हैं किस टाइप के परिणाम को हम लोग सिद्ध करेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत, उसके बाद हम लोग डेवलप करेंगे कि इसमें क्या करते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग देखें कि जो प्राकृतिक विषम संख्या होती है, जैसे मान लें कि पहली विषम संख्या हमारी क्या हो गई, 1, ठीक है, और वन प्लस थ्री अगर हम लोग करें कि प्रथम दो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हम लोग करें तो 1+3 होगा, और प्रथम तीन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल करें तो हम लोग 1+3+5 होगा, प्रथम चार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल करें तो 1+3+5+7। ये हमारा क्या हुआ, प्रथम एक प्राकृतिक संख्या का योग कितना, 1, प्रथम दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 4, प्रथम तीन प्राकृतिक संख्याओं का योग 5, 3, 8, 1, 9, प्रथम चार प्राकृतिक संख्याओं का योग 7, 5, 12, 3, 15, 1, 16। अच्छा, 1+3+5+7+9, प्रथम पांच प्राकृतिक विषम संख्याओं, तो 16 में से 9 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो देखिए, प्रथम एक विषम प्राकृतिक संख्या, प्रथम ये हमारा क्या है, प्रथम दो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ये हमारा क्या है, प्रथम दो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ये हमारा क्या है, प्रथम तीन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ये हमारा क्या है, प्रथम चार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ये हमारा क्या है, प्रथम पांच विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्रथम एक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमारा क्या है, ये हम लोग इसको प्रथम एक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हम लोग इसको 1 का वर्ग लिख सकते हैं। प्रथम दो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना आया, 4, तो इसको हम लोग जो है 2 का वर्ग लिख सकते हैं। प्रथम तीन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 9 आया, इसको हम लोग 3 का वर्ग लिख सकते हैं। प्रथम चार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो आया 16, इसको हम लोग 4 का वर्ग लिख सकते हैं। प्रथम पांच विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 25, इसको हम लोग 5 का वर्ग लिख सकते हैं। यानी इसमें हम लोग अब अगर कोई बोले कि प्रथम 1+3+5+7+9+... हमारा n प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। तो देखिए, दूसरा प्राकृतिक संख्या हमारा क्या है, 2 × 2 − 1। तीसरा क्या है, 2 × 3 − 1। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 − 1। 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 − 1। यानी तीसरा प्राकृतिक संख्या हमारा 2 × 3 − 1, दूसरा प्राकृतिक। अच्छा, चौथा प्राकृतिक संख्या ये हमारा क्या है, 2 × 4 − 1। तो ये नवा हमारा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 2n − 1। ये हमारा ये क्या है, nवीं प्राकृतिक संख्या, nवीं विषम प्राकृतिक संख्या, सॉरी, nवीं विषम प्राकृतिक संख्या, nवीं विषम प्राकृतिक संख्या। और 2n − 1 हम लोग क्यों लिखा, ये कितने क्या है, n प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या, तो ये 2n − 1 हम लोगों ने लिखा, ये आपको समझ में आ गया। अब अगर इस जो ऑब्जर्वेशन से हम लोग देखें कि प्रथम दो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 2 का वर्ग, प्रथम तीन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 3 का वर्ग, प्रथम चार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 4 का वर्ग, प्रथम पांच विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 5 का वर्ग, प्रथम 6 का निकालें, 7 का निकालें, 8 का, ऐसे हम लोग कई कई करके जो है वेरीफाई कर सकते हैं। तो इससे हम लोगों को एक जो है फीलिंग आ रहा है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यानी अगर यहाँ पे प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं तो 10 का वर्ग, अगर यहाँ पे प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये n का वर्ग। ये हमारा क्या, एक फार्मूला या एक रिजल्ट या एक थ्योरम या कुछ भी हम लोग कह सकते हैं, ये
जो हमको ऑब्जर्वेशन से मिल रहा है, यानी प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यानी 1 + 3 + 7 + 9 + 11 + ……, एन वी संख्या हमारी क्या होगी, 2n-1 = n²। यानी प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमको ये लगा कि ये होगा, होना चाहिए, प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो अगर इससे हम लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर कोई जो है अगर जरूरत पड़े कि प्रथम 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो हम लोग सीधा सीधा क्या कर देंगे, 100 का स्क्वायर, प्रथम 1000 विषम प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर। लेकिन ये हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन से हम लोग ये जो है कंक्लूजन निकाले हैं, तो ये हमारा सही है कि नहीं सही है, इसको एन की सभी वैल्यूज के लिए चेक करना पड़ेगा। और n की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू, अनंत वैल्यू हो सकती है। n की वैल्यू 100 ले लो, 1000 ले लो, 10000 ले लो, 1 करोड़ ले लो, 1 करोड़ 1, 10 करोड़, 10 करोड़ 1, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो n की सारी वैल्यूज लेके हम लोग तो चेक तो कर नहीं पाएंगे, n की जितनी वैल्यू संभव होगी। तो उसके लिए ये हमारा जो फार्मूला हम लोगों का निकला है, ये हमारा सही है, इसका हम लोग यूज करें अपने मैथमेटिक्स में कि ना यूज करें, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले का हमको प्रूव करना पड़ेगा। इसको जब तक प्रूव नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, भले ही ये हमारा दिख रहा है लेकिन सारी के लिए ये प्रूव तो है नहीं। जैसे आप त्रिभुज की तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री लेते हैं, लेकिन आप 10-5 त्रिभुज बना के ही केवल आप इस परिणाम पे पहुंच जाते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 है, लेकिन बिना उसको प्रूफ किए हम लोग उसको मैथ्स में यूज नहीं कर सकते। तो इस टाइप का जो परिणाम होता है हमारा, जिसको प्राकृतिक संख्याओं के एन के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, इस टाइप के परिणाम को हम लोग सिद्ध करेंगे। इसको हम लोग किसके मेथड से सिद्ध करेंगे, गणितीय आगमन के सिद्धांत विधि से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग इस टाइप पे आते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं कि ये हमारा सिद्धांत है क्या और ये डेवलप कैसे हुआ, इसका जो है इसके लिए जो है आप सिंपल सा समझिए कि इसका जो मोटिवेशन, जो प्रेरणा है, या कहने का मतलब ये कहां से जो ये कॉन्सेप्ट हमारा, ये थ्योरी आया है, इसको आप समझिए, आपको एकदम मजा आएगा कि ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि आपके गणित का कोई जो है खास जो है बहुत सिद्धांत वगैरह पढ़ रहे हैं, एक सिंपल सी बात आपको लगेगी। तो इसके पीछे मोटिवेशन क्या है, हम लोग मान लेते हैं कि आपके जो पतली पतली जो है ऐसे टाइल्स एक दूसरे के समांतर ऐसे रखी हैं, ये ऐसे जो है टाइल्स ऐसे पूरा लाइन लगा है, ऐसे ऐसे बहुत सारी टाइल्स हैं, एक ऐसे 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 रखी हैं, ठीक है, ये हमारा जमीन पे बहुत सारी टाइल्स रखी हैं। अब हम लोग जानते हैं कि अगर एक टाइल्स को जो है धक्का दिया जाएगा तो अगली टाइल्स गिर जाएगी, इसको अगर टच कर रही है, ठीक है। तो एक टाइल्स जो पहली टाइल्स को अगर धक्का दिया जाएगा तो दूसरी टाइल्स हमारी क्या गिर जाएगी, फिर दूसरी गिरेगी तो तीसरी गिरेगी, फिर तीसरी गिरेगी तो चौथी, चौथी गिरेगी तो पांचवी, ऐसे हमारा अगर ऐसे बोला जाए कि ये इन्फाइनाइट तक, बहुत लंबी दूरी तक, अनंत दूरी है तक सारी टाइल्स रखी हैं, तो ये हमारी जो सबसे अंतिम वाली या बहुत लास्ट वाली या कोई एनवी टाइल्स हमारी गिर जाएगी, ये अगर हम लोगों को बोलना हो कि कौन सा पॉइंट आपको दिया जाए कि एनवी टाइल हमारी गिरती है, ठीक है, या सभी टाइलें गिर जाएगी, इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, पहला पॉइंट तो ये पता होना चाहिए कि आपको पहली टाइल आपकी गिरती है, ठीक है, पहली टाइल आपकी गिरनी चाहिए, या पहली ना गिरे तो दूसरी गिरे, तीसरी गिरे, चौथी गिरे, कुल मिला के स्टार्ट में हमारा कहीं टाइलों का गिरना शुरू होना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या होगी कि ऐसा नहीं कि ये टाइल इधर गिर जाए तब तो ये टाइल गिरेगी नहीं, उसमें अब ये भी बताना पड़ेगा कि जब कोई टाइल गिरती है तो उसके उत्तरवर्ती यानी उसके जो इधर बाद में जो रखी है वो टाइल भी गिरती है। अगर दो बात हमको बता दिया जाए तो हम लोग बोल देंगे कि जितनी भी टाइल है सारी गिर जाएंगी। तो इसमें दो पॉइंट, सभी टाइलें गिरती हैं हम लोग कब कह पाएंगे,
सभी टाइलें गिरते हैं जब प्रथम टाइल गिरती है, यानी प्रथम का मतलब दूसरी तीसरी चौथी भी हो सकती है, प्रथम टाइल गिरती है यानी स्टार्ट कहीं से हो रहा है, प्रथम टाइल गिरती है। और दूसरा पॉइंट हमको क्या कंफर्म होना चाहिए कि सारी टाइलें गिरेंगी, कि जब कोई टाइल गिरती है तो उसकी उत्तरवर्ती यानी उसके जो बाद में है वो टाइल निश्चित रूप से गिरती है, तो हम लोग कह पाएंगे कि सभी टाइल गिर जाएंगे। उस घटना में जब कोई टाइल गिरती है उसकी उत्तरवर्ती अनिवार्यतः गिरती है, यही हमारा गणितीय आगमन के सिद्धांत का आधार है। क्या होना चाहिए कि प्रथम टाइल, अच्छा जो प्रथम का मतलब ये द्वितीय तृतीय चतुर्थ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं प्रथम से स्टार्ट करें, द्वितीय से, कि पहली टाइल गिरती है अगर कहीं से स्टार्ट हुआ गिरना, एक पॉइंट तो ये हो गया कि हमारा हाथ टाइलें गिरनी शुरू हुई कहीं से, दूसरा पॉइंट जब कोई टाइल गिरती है तो उसकी उत्तरवर्ती निश्चित रूप से या अनिवार्यता गिरती है, अगर दो बात ये बोल दिया जाए कि एक टाइल गिरना शुरू हो गया और जब कोई भी टाइल गिरेगी तो उसकी उत्तरवर्ती जरूर गिरेगी, तो हम लोग कह देंगे कि अगर ऐसा होगा तो टाइल जब गिरना शुरू हो गई तो कोई भी टाइल गिरेगी तो उत्तरवर्ती अनिवार्यता गिरेगी, तो ऐसे गिरते 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 हमारा जो कितनी भी टाइलें होगी एन नंबर ऑफ टाइलें, तो सारी की सारी टाइलें हमारे क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी। तो अब हम लोग यही अपना जो है यही दो पॉइंट का हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत में यूज करेंगे। पहला पॉइंट हम लोग क्या कहेंगे कि जैसे हम लोगों ने प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n स्क्वायर माना था, तो पहला पॉइंट ए हम लोग कहेंगे कि वो हमारा जो है n बराबर 1 के लिए या n बराबर 2 के लिए या n बराबर 3 के लिए, कभी कभी हमेशा n बराबर 1 से ही चलता है, लेकिन कभी कभी n बराबर 1 या 2 के लिए जरूरी नहीं है कि ना सही हो लेकिन 3 से स्टार्ट हो। तो हम लोग पहला पॉइंट क्या कहेंगे कि हमारा जो फार्मूला है एन बराबर 1 ठीक है के लिए सही है, ठीक है, यानी n बराबर 1 n बराबर 3 से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन हम लोग यहां n बराबर 1 के लिए हमारा फार्मूला क्या है सही है। पहला पॉइंट हो गया कि वो सारे n के लिए सही है, ये हम लोग कब कह पाएंगे जब n बराबर 1 के लिए सही हो या n बराबर 2 3 कहीं से स्टार्ट हो रहा हो। और जब कोई टाइल गिरती है उसकी उत्तरवर्ती अनिवार्यता गिरती है, यानी अगर हम लोग कहें कि कोई टाइल गिरती है इसका मतलब कि कोई टाइल गिरती है इसका मतलब कि अगर हम लोग मान लें कि वो n बराबर k के लिए सही है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या है कि n बराबर k के लिए हमारा फार्मूला जो है सही है, n बराबर k के लिए सही है, ये हम लोग मान लें कि n बराबर k के लिए सही है तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सही होगा, तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सही होगा, तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सही होगा, तो हम लोग कह पाएंगे कि सारे n के लिए सही होगा, तो सभी n के लिए सही होगा। यानी पहला पॉइंट हम लोग क्या करेंगे कि n बराबर 1 या 1 बराबर 2 या 1 बराबर 3 से स्टार्ट होगा, कि हमारा जो फार्मूला हम लोग निकाले हैं प्राकृतिक संख्याओं n के पदों में वो हमारा उसके लिए सही है, और कोई जो है प्राकृतिक संख्या k हम लोग मान लेंगे k, तो k के लिए हम लोग क्या मान लेंगे कि n बराबर k के लिए वो फार्मूला वो फॉलो कर रहा है, तो उससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालें कि n बराबर उससे प्रूफ हो जाए कि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सही आ रहा है, तो हमारा पूरे n के लिए सही हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग फिर से लिखते हैं मैथमेटिकली, तो इसको हम लोग लिखेंगे जो अपना आ गया, हम लोगों का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया,
तो हम लोग इसमें क्या कहेंगे कि कोई धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याओं से संबंध हमारा कोई कथन दिया रहेगा। जैसे हम लोग देखे थे अभी पिछला कथन, हम लोगों ने क्या निकाला था कि प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल एन स्क्वायर होता है, ऐसे कोई अलग भी कथन दिया हो सकता है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या रहेगा कि धन पूर्णांक प्राकृतिक धन पूर्णांक पी एन से संबद्ध एक दिया कथन इस प्रकार है कि एन बराबर वन के लिए कथन सत्य है, अर्थात पी वन सत्य है। और दूसरा पॉइंट यदि n बराबर k और k हमारा क्या है, एक प्राकृत संख्या है, n बराबर k एक प्राकृत संख्या के लिए कथन सत्य है, तो एन बराबर के प्लस वन के लिए भी कथन सत्य है। यानी अगर n बराबर k के लिए हमारा कथन सत्य है तो उससे क्या पता चलता है, अगर प्रूफ हो जाए कि हमारा n बराबर k प्लस वन के लिए भी कथन सत्य है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये सभी प्राकृत संख्या n के लिए ये सत्य है, और n बराबर k प्लस वन के लिए भी कथन सत्य है। अर्थात इसको हम लोग अलग इसमें कह रहे हैं, अलग उसमें कहें शब्दों में कि पी के की सत्यता अगर है, यानी पी के n बराबर पी के की सत्यता का तात्पर्य है पी के प्लस वन की सत्यता। अभी हम लोग जब एक एग्जाम्पल करेंगे तो पूरा हमारा क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं कि n बराबर वन के लिए सत्य है, और n बराबर k के लिए अगर सत्य है लेके चलें तो n बराबर k प्लस वन के लिए जो हमारी सत्यता स्थापित हो जाती है, ठीक है, कि सत्यता। अतः सभी प्राकृत संख्या n के लिए पी एन सत्य है। यही हमारा क्या है, गणितीय आगमन का सिद्धांत। अब इसको हम लोग जो है अपना वही पिछला वाला एग्जाम्पल हम लोग लो है प्रूव करके देखते हैं कि अगर वो गणितीय आगमन के सिद्धांत मेथड्स के यूज करके हमारा अगर प्रूफ हो गया तो वो हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। तो हम लोगों ने क्या फार्मूला देखा था कि प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल यानी वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन, और एनवी विषम संख्या हमारी क्या होगी, देखिए तीसरा हमारा क्या है टू इंटू थ्री माइनस वन, चौथा हमारा क्या है टू इंटू फोर माइनस वन, पांचवा हमारा क्या है टू इंटू फाइव माइनस वन, तो एनवा हमारा क्या हो जाएगा टू इंटू एन माइनस वन इक्वल टू हम लोगों को क्या है ये एन स्क्वायर। ये हमारा एक मैथ्स में जो है हम लोगों ने एक स्टेटमेंट या कथन निकाला हम लोगों ने कि प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ये हम लोगों को ऑब्जर्वेशन से मिला। अभी बिना प्रूफ किए हम लोग इसको फार्मूले के तरीके से मैथ में यूज नहीं कर सकते। प्रथम एन विषम प्राकृत
संख्या का योगफल ये हमारा है एन स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों का जो पी एन हम लोग जो बोलते थे, पी एन जो हमारा स्टेटमेंट है, पी एन हमारा क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 + एनवी क्या होगी, 2n-1 बराबर एन स्क्वायर। और हमें क्या सिद्ध करना है कि जो पी एन है ये एन के सभी मानों के लिए सत्य है। तो सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे, एन बराबर, पहला काम हम लोगों का क्या है, एन बराबर 1 के सत्यता की जांच करेंगे। पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि एन बराबर, कभी कभी जो है एन बराबर 2 या 3 से भी शुरू होता है, तो इससे बात कोई बिगड़ेगी नहीं। एन बराबर 1 के सत्यता की जांच, यानी प्रथम 1 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यानी पी वन हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, और 1 हमारा क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, यानी प्रथम 1 यानी अर्थात पी वन सत्य है, प्रथम 1 विषम संख्याओं का योगफल हमारा 1 का स्क्वायर है, यानी पी वन हमारा क्या है, सत्य है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग क्या, हमारा क्या है कि अगर पी के की सत्यता का अर्थ है, यानी एन बराबर के की सत्यता का अर्थ है कि एन बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य है, ठीक है, तो पी के, तो हम लोग क्या करेंगे कि पी के सत्य है ये लेके चलेंगे, और उससे अगर ये प्रूफ हो गया कि पी के प्लस 1 भी सत्य है तो हमारा सत्य हो जाएगा। तो पी के हमारा क्या है, पी के हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 3 यानी प्रथम के विषम प्राकृत, 7 + 9 प्रथम के विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, 2k-1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ये सत्य है, क्योंकि हम लोग ये सत्य मान के चलेंगे और इसके आधार पे हम लोग प्रूव करेंगे कि पी के प्लस 1 सत्य है। अच्छा, पी के हमारा क्या हो गया, प्रथम के विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, के स्क्वायर। अच्छा, पी के प्लस 1, पी के प्लस 1 हमारा क्या होगा, प्रथम के प्लस 1 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, पी एन का मतलब प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो के प्लस 1 रखेंगे तो प्रथम 1, 3, 5, 7, 9 प्रथम के प्लस 1 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो यहां हमारा क्या रखेंगे, के की जगह पे के प्लस 1, यानी हमारा जो यहां पे एनवी विषम प्राकृतिक संख्या 2n-1, तो के प्लस 1 वी विषम प्राकृतिक संख्या, एन की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, के प्लस 1 2 × k+1-1, ठीक है, यानी हमारा हो गया पी के प्लस 1 1, 3, 5, 7, 9 और ये हमारा 2 × k+1-1, तो 2k ये हमारा क्या हो जाएगा, 2k+2-1 दिस इक्वल्स टू 2k+1, ये हमारा क्या हो गया, 2k+1, ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2k+1, ये हमारा पी के प्लस 1 है। अब हमारा पी के प्लस 1 अगर सत्य होगा, यानी पी के प्लस 1 सत्य कब होगा, जब पी के प्लस 1 इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाए, के प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाए, क्योंकि पी एन जब सत्य होता है तो हमारा क्या होना चाहिए, के स्क्वायर होना चाहिए, तो पी के सत्य तो हम लोग मान लेंगे, लेकिन पी के प्लस 1 की जो ये वैल्यू है ये हमारी किसके बराबर आ जाए, के प्लस 1 के होल स्क्वायर के बराबर अगर आ जाए तो हम लोग मानेंगे कि ये फार्मूला हम लोगों का सही है। तो पी के प्लस 1 जो हमारा है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, अच्छा पी के और पी के प्लस 1 में हमारा क्या है, केवल एक टर्म इसमें ज्यादा है, ठीक है, तो ये एक टर्म, क्योंकि जैसे n बराबर 3 रखे हैं, n बराबर 4, तो ये प्रथम 3 विषम प्राकृतिक संख्याओं का, ये प्रथम k विषम प्राकृतिक संख्याओं, ये प्रथम k प्लस 1, तो इसमें एक टर्म केवल हमारा ज्यादा है, कौन सा, ये 2k+1 वाला, यानी इसको हम लोग 2k-1 तक जो है ये हमारा पहले वाला लिख लेंगे, प्लस इसमें एक टर्म हमारा और सब क्या है, 2k+1। ये पॉइंट समझने वाली है कि प्रथम k विषम प्राकृतिक संख्या,
और प्रथम के प्लस वन विषम प्राकृतिक, तो इसमें एक पद हमारा लास्ट वाला ज्यादा होगा और बाकी ये के वाले होंगे, तो वन से टू के माइनस वन वाले ये हो गए और लास्ट वाला टू के प्लस वन हमारा ये हो गया। अब हम लोग इसकी जगह पे ये जो वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस टू के माइनस वन, इसकी जगह पे हम लोग के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो पी के प्लस वन हमारा हो जाएगा, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख दिए के स्क्वायर, और प्लस हमारा क्या है टू के प्लस वन। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया यूजिंग यानी किसका उपयोग किया पी के बराबर के स्क्वायर, इसका तो हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि पी के हमारा सत्य है। अब पी के प्लस वन हमारा क्या हो गया पी के प्लस वन के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन, ये हमारा क्या हो गया के प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए पी के प्लस वन हमारा कब सत्य होता है जब पी के प्लस वन बराबर के प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये हमारा आ गया के प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी पी के प्लस वन बराबर के प्लस वन का होल स्क्वायर, इसलिए हमारा आप लोग हम लोग क्या कहेंगे पी के प्लस वन सत्य है, क्योंकि पी के प्लस वन सत्य होने के लिए हमारा पी के प्लस वन की वैल्यू जो ये क्या आनी चाहिए के प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये के प्लस वन का होल स्क्वायर हमारा आ गया। तो अगर पी के की सत्यता लेके चले तो हम लोग प्रूव कर लेंगे कि पी के प्लस वन सत्य है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा ये उत्पत्ति कंप्लीट हो गया, ये सभी एन के लिए सत्य है, यानी सत्य है अर्थात सभी प्राकृत संख्या एन के लिए पी एन सत्य है। तो फिर से हम लोग जो है कर लेते हैं कि हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन किया कि प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हम लोग एन स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि प्रथम दो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल चार यानी दो का वर्ग, प्रथम तीन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल नौ यानी तीन का वर्ग, प्रथम चार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल सात पाँच बारह तीन पंद्रह एक सोलह यानी चार का वर्ग। तो प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमको लगा कि एन स्क्वायर होना चाहिए, और एनवी जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी टू एन माइनस वन, क्योंकि दूसरी विषम संख्या क्या है टू इंटू टू माइनस वन, तीसरी क्या है टू इंटू थ्री माइनस वन, चौथी क्या है टू इंटू फोर माइनस वन, तो एनवी विषम संख्या क्या होगी टू एन माइनस वन। अब इस हम लोग को गणितीय आगमन का सिद्धांत के आधार पर सिद्ध करेंगे, यानी पी एन हमारा ये हो गया। एन बराबर वन की सत्यता के लिए जांच करते हैं कि प्रथम वन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या वन का वर्ग है, सही है, प्रथम वन विषम प्राकृतिक संख्या केवल वन, ये वन का वर्ग है। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है कि एन बराबर के यानी पी के की सत्यता हम लोग मान लेते हैं, यानी ये पी के एन बराबर के लिए सत्य है अर्थात वन प्लस थ्री प्लस फाइव डॉट टू के माइनस वन बराबर हमारा क्या है के स्क्वायर, क्योंकि n बराबर इसमें k रख देंगे तो हमारा ये आ जाएगा pk, तो pk सत्य है। अब हमारा pk प्लस वन जो है सत्य अगर आ जाए इसका यूज करके तो हम लोग कह लेंगे, और pk प्लस वन हमारा क्या होगा प्रथम k प्लस वन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन नाइन डॉट टू इंटू यहाँ पे n की जगह पे k प्लस वन रख दिए माइनस वन, तो ये टू के प्लस टू माइनस वन, ये क्या आ गया टू के प्लस वन। अब पी के प्लस वन हमारा सत्य कब होगा जब पी के प्लस वन इसकी वैल्यू क्या आ जाए के प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये प्रथम के विषम प्राकृतिक संख्या है, ये प्रथम के प्लस वन, तो इसको हम लोग के प्लस वन में हमारा जो क्या होगा प्रथम के विषम प्राकृतिक संख्या और ये लास्ट वाला के प्लस वनवा, ये हम लोग अलग कर लिए, क्योंकि पी के में हम लोग केवल लास्ट वाला पद 2k प्लस वन ही बढ़ेगा पी के प्लस वन में, क्योंकि इसमें अगर के पद हैं तो इसमें के प्लस वन पद हैं। अब इसकी जगह पे हम लोग क्या रख दिए के स्क्वायर, तो ये हमारा पूरी वैल्यू क्या होगी के स्क्वायर और प्लस हमारा क्या हो गया 2k प्लस वन, तो ये वैल्यू के स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन और ये हमारा क्या हो गया k प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी पी के प्लस वन हमारा आ गया k प्लस वन का होल स्क्वायर। यही हमारा पी के प्लस वन की सत्यता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पी के प्लस वन कब सत्य होता जब यहाँ पे क्या आता के प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी पी के प्लस वन सत्य है, अतः ये सभी प्राकृतिक संख्या पी एन के लिए ये फार्मूला हमारा क्या है सत्य है। तो ये हमारा तरीका होगा गणितीय आगमन का सिद्धांत, जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इसी पे बेस्ड होंगे आपके।